हेलो दोस्तों, गोई टेक्निकस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसा कि आप सभी बीएलई भाइयों को पता ही है कि कल डीजीमेल की साइट चल पड़ी थी, पर उसमें सर्वर एरो आ रहा था। और मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से भी यही बताया था कि डीजीमेल की साइट चल पड़ी है पर सर्वर एरो आ रहा है। तो दोस्तों, आज उसका सर्वर एरो तो गायब हो गया है, पर उसमें अभी हमारी पहले वाली डीजीमेल आईडी और पासवर्ड काम नहीं करेगा। इसमें लॉगिन करने के लिए हमें एक नया डीजीमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा, और वो डीजीमेल आईडी और पासवर्ड हमें कहाँ से मिलेगा, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताएंगे कि हमें वो डीजीमेल आईडी पासवर्ड कैसे प्राप्त करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से करूँगा एक गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम लॉगिन हो जाएंगे। तो सब आप सभी देख रहे होंगे, हमने डिजिटल सेवा पोर्टल खोल लिया है और वहाँ पर हम लॉगिन हो गए हैं। जब हम लॉगिन हो जाएंगे, हमें डैशबोर्ड पर ही ये मेल दिखाई देगी दोस्तों। ये एक नोटिफिकेशन हमें दिखाई देगा कि डिजी मेल क्रेडेंशियल, हमें जहाँ पर ही हमें हमारे डिजी मेल आई डी और पासवर्ड मिल जाएगा। जब आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल खोलेंगे, जहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे, तो आपको अपनी डिजीमेल आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको कोई परेशानी नहीं होगी डिजीमेल आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने में। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बीएलई भाइयों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।